काफी देर से इब्राहिम इस तरफ गया है और हम आवाजें दे रहे हैं, छुपा हुआ है किसी जगह पर। यहाँ पर न छुपा हो ना। ओए क्या कर रहे हो? अच्छा तो ये हो रहा है यहाँ पर, इसने उठाया हुआ है पत्थर और यहाँ पर लाइनें लगाई जा रही हैं। और अपना क्या, अब जी जी बाहर निकलो, अपना क्या हाल कर दिया ये देखो, अब तो घर से पक्की मार पड़ेगी और साथ में ये फूलों को भी तोड़ रहे। चलो 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 शाबाश निकलो यहाँ से। चिड़िया की ब्रीडिंग का सीजन आ गया तो हर तरफ जितने भी ये घर है ना इनके अंदर चिड़िया ने जाना शुरू कर दिया, टिंके रखना शुरू कर दिए। अभी अभी एक यहाँ छोड़िए, देखे ऐसे हिलजुल रहा है। ये जो लटकने वाले हैं सबसे ज्यादा चिड़िया इनको पसंद कर रही है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें कितनी ज्यादा इन्होंने कर ली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें कितनी ज्यादा नेस्टिंग इन्होंने कर लिया, बल्कि अब तो यहाँ पर शायद इन्होंने अंडे भी बहुत जल्द देने हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। यार अभी अभी मैंने यहाँ पर देखा इतना ज्यादा खून, ये खून इस तरफ भी है यहाँ पर भी और इस तरफ से ये बाहर को जा रहा है, ये बॉक्स के साथ भी लगा हुआ है। अब इतनी बड़ी लड़ाई तो कबूतर आपस में कर नहीं सकते कि एक दूसरे का इतना ज्यादा खून निकाल दें। या तो यहाँ पर किसी बिल्ली ने हमला ना कर दिया हो, फिर कुछ और मसला भी हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा वाला जख्मी है। इस तरफ भी खून के कतरे पड़े हुए हैं, यहाँ ऊपर भी खून लगा हुआ है, लेकिन कोई भी परिंदा मुझे जख्मी नजर नहीं आ रहा। तो मुझे जल्दी से देखना होगा कौन सा परिंदा जख्मी है और किसको क्या हो चुका है। अंदर भी मुझे अभी बॉक्स के देखना है, कोई अंदर बैठा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बॉक्स के साथ खून लगा हुआ ना, कोई मेल फीमेल इस बॉक्स के अंदर ना चले गए। और इसलिए सबसे पहले तो जल्दी से मैंने ये बॉक्स लाया है, इसके अंदर दवाइयाँ वगैरह पड़ी हैं, जो भी यहाँ पर जख्मी होगा सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। ये शुक्र है बच्चे तो दोनों ठीक हैं, अली बता रहे हैं। फिर खून किसका है देखो तो सही, देखना पड़ेगा। देखो सबके पाँव को देखो, ये भी ठीक है, इसके पाँव के साथ भी कोई खून नजर नहीं आ रहा। इसके मुंह पे लगा हुआ है, ये इसके पांव पे लगा हुआ है। ले 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 उसको निकाल लो। ओए इसके पांव, ये क्या हो गया इसको, यहाँ पर भी खून लगा हुआ है। इधर ले ले पैर ले, इसका बाहर ही कोई ट्रीटमेंट करते हैं। इसके मुंह पर भी खून लगा हुआ है, इसने लड़ाई की है पक्का, किसी के साथ लड़ाई की है। इसका तो एक नाखून भी नहीं है, जो नाखून उतरा है ना उसी से खून निकला है, अभी भी निकल रहा है। यार इतनी देर से इसका खून रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देखें कितनी स्पीड से ये निकल रहा है, दबा कर इतनी देर से रखा हुआ है, पाउडर भी लगा चुके हैं, दवाई भी लगा चुके हैं। ये देखें नीचे कितनी ज़्यादा रुई हम इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन खून वैसे ही बह जा रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं इसने किसके साथ लड़ाई की है, इसका एक भी नहीं दो दो नाखून जख्मी है, लेकिन एक नाखून तो इसका पूरा निकल चुका है। काफ़ी देर से मैं यहाँ से ना दबा के इसको रखे हुए हूँ, दवाई भी लगा चुका हूँ, लेकिन जो ही मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा ना फिर से देखें कितनी स्पीड से खून निकलना शुरू हो जाता है। खून रुक नहीं रहा था तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर रुई लगाकर ऊपर टेप लगानी पड़ी है, यानी कि अब इसकी बैंडेज हो चुकी है। अब थोड़ी सी देर के बाद हम इसकी बैंडेज खोलेंगे और दोबारा से इसको दवाई लगाकर फिर बैंडेज कर देंगे। इसी तरीके से शाम तक दो से तीन दफ़ा करेंगे और फिर इंशाल्लाह शाम तक ये ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारे राजा की दुम देखें कितने बड़े बड़े पर आ चुके हैं, ये पहले जैसा हो गया है, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगा कि इस दफ़ा इसके पर गिर गए दोबारा से आएंगे नहीं, लेकिन अभी चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे भी और आप सबको भी बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी महीनों से मैं आपको बता रहा था कि ये सारी जगह अपने पास है और अभी हम यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन सर्दियाँ थी ना तो मैंने सोचा सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, गर्मियाँ आएंगी दिन थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आराम आराम से हम यहाँ का काम स्टार्ट कर देंगे। तो आज से ही हमने यहाँ का काम स्टार्ट कर दिया। देखें कितनी ज़्यादा जगह है, तकरीबन 3 से 4 कनाल जगह तो होगी, तो इंशाल्लाह अभी हमने ये सारी जगह साफ़ करनी है, बल्कि हम शुरू हो चुके हैं। उस तरफ से हमने सारे पत्थर उठाए हैं, ये सारे पत्थर हमने उठा लिए, अब यहाँ से हमने पत्थर उठाने हैं। जवान देखें बैठे हुए थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, तो अभी बस हम जल्दी से दोबारा से अपना काम स्टार्ट करते हैं। मोटे मोटे पत्थर हम यहाँ से वहाँ पर फेंकेंगे, उस कार्नर में जमा कर लेंगे और फिर कल परसों एक दो दिन तक ट्रैक्टर वाले भाई आएंगे, वो इस जगह को बिल्कुल ट्रैक्टर से ना प्लेन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर दीवारें आएंगी, हवेली आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो परिंदे और जानवर हम अपनी उस हवेली में नहीं रख सके वो यहाँ पर रखेंगे। एक मिनट ये देखें जी सांप, सांप का बच्चा, निकालो इसको बाहर, ओह अंदर चला गया। ये देखें यहाँ पर ये है, तो ये अंदर चला गया, कैसे निकलेगा, अब नहीं निकलेगा, काट ही ना लेके इस तरह चला गया, कोई बड़ी सी चीज़ लेकर आओ ना। हाँ अब निकलेगा, निकालो ये नहीं, ये ऐसा निकल आएगा, किधर गया, कहीं घुस गया, इतनी स्पीड में यहाँ से भाग गया, ऐसे 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 करके दीमक भी लगी हुई है। निकालते हैं निकालते हैं, किधर गया, ओ अंदर चला गया, चलो छोड़े उसकी किस्मत, यहाँ से भाग गया, ये इसका कोई ठीक काम नहीं है। देखें कभी मुर्गों को पकड़ा, जाने दो उसकी टांग को क्या हुआ है, क्या पता।
ऐसे लंगड़ा के चल रहे हैं। तो खैर हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। इतने ज़्यादा पत्थर हमने इकट्ठे कर लिए, बस ये थोड़े से रह गए हैं, ये जल्दी जल्दी रेडी में भरते हैं और वहाँ पर रखते हैं। यार हम काफ़ी थक चुके हैं, मज़दूर भाई ने हमें धोखा दे दिया। रात को उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन सुबह उनसे बात हुई वो कहीं और निकल गए। तो फिर मजबूरन हमने इरादा किया था, तो हमें फिर ख़ुद ये सारे काम करने पड़े। अब आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्थर हमने इकट्ठे कर लिए हैं, बाकी पत्थर जब ट्रैक्टर वाले भाई आएंगे तो हम यहाँ पर इकट्ठे कर लेंगे और हमारा अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा ये गंदी जगह हुई है, अभी भी पत्थर हमने वहाँ पर इकट्ठे किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी इस तरफ कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी जगह जब साफ़ हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा जगह। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिंजरे वगैरह भी बना सकते हैं और भी अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना सकते हैं, हम बहुत से ज़्यादा जानवर यहाँ पर रख भी सकते हैं। तो आज के लिए हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, हमसे जितना हो सकता था हमने कर लिया। काफ़ी देर से हम यहाँ पर लगे हुए थे, अभी हमने अपने इन परिंदों की तरफ भी जाना है और अली इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये ईंटें हमारे काम की हैं तो इसलिए हमने ये सारी ईंटें जो है ना ये रख ली हैं, हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी इसलिए हमने यहाँ पर रख ली हैं। और अभी हमने जाना है अपने परिंदों की तरह, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने अपने परिंदों को देखा ही नहीं है। अंडे कितने हैं? सिर्फ एक अंडा। चलो जी तुम भी बाहर निकलो। हम जो जगह बना रहे हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरे इन परिंदों को और इन सारे परिंदों को, राजा रानी को, ये होगा कि हम इस तरह वाले दरवाजे खोल दिया करेंगे, सुबह सुबह निकाल दिया करेंगे, इतनी बड़ी हवेली होगी शाम के होगी कि वापस आ जाया करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि उस हवेली को हम क्या नाम दें, क्या होना चाहिए। अली से पूछते हैं, अली अली जो हवेली हम बना रहे हैं उसको क्या नाम दें? फार्म हाउस। फार्म हाउस। तो फाइनल हो चुका है जी, हम अपने फार्म हाउस में इन सारे परिंदों को सुबह सुबह ऐसे निकाल दिया करेंगे और शाम के वक्त ये परिंदे सारे अपने घरों में आ जाया करेंगे, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर हम इन परिंदों को नहीं रखेंगे। वहाँ के लिए तो हमने बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें सोच रखी हैं। वहाँ पर हमने एक फीमेल को अलग से बंद किया हुआ है। ओए ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसका पेट थोड़ा थोड़ा मोटा है तो हमें ऐसे शक हुआ कि शायद इसने बच्चे देने होंगे, तो इसलिए हमने इसको अलग से बंद कर दिया। इसने अभी तक हमने बाल उतारे नहीं है, जो पुराने वाले बाल दूसरे रैबिट्स के थे। ये देखें बाल्टी के अंदर जा रही है, जा रही है। मेरे ख्याल में इसको शायद ये घर पसंद आ गया और इसने यहीं पर बच्चे देने हैं, इसलिए बाल्टी के अंदर जा रही है। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, पहले भी ऐसे ही हुआ था, बच्चे आए मेल फीमेल ने मार दिए, तो अब हम एहतियात कर रहे हैं। अब अगर इसके बच्चे आते हैं तो ये उनको खुद पालेगी, यहाँ पर कोई दूसरा मेल फीमेल नहीं होंगे और फिर इसके बच्चों को जो मरने का खतरा है ना वो कम हो जाएगा, वरना पहले भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। नरमुखी का मेल जिसका खून निकला था, हमने जिसको पट्टी की थी माशाल्लाह से, अब उसका खून नहीं निकल रहा और पट्टी भी उसके पाँव पर हुई हुई है, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते। अभी भी लड़ाई कर रहा है ये, पहले भी शायद इसने किसी के साथ लड़ाई की है, हर किसी के साथ लड़ाई करता है, इसीलिए तो इसके पाँव पर ये चोट आई है, ये आ गया। ये ना इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, खैर दूर चला गया, हम ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये आराम से दाना खा ले, फिर इसको एक दफ़ा दवाई लगा देंगे। निका पोश का मेल फिर से पेटी के अंदर बैठा हुआ, कहीं दोबारा से अंडा तो नहीं आ गया, एक दफ़ा देख लेते हैं। हटो हटो जी हटो, नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द फीमेल फिर से अंडे देने वाली है। ज़रा देखिए हमारी वाइट जैपनीज कहाँ पर अंडे दे देते हैं, जहाँ पर आता वहीं पर एक अंडा इस तरह पड़ा हुआ है, दो अंडे यहाँ पर हैं। डक्स के कितने अंडे हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडे हो चुके हैं। किस बात का गुस्सा है? मैंने तुम्हारे अंडे उठाए नहीं है, तुम्हारे अंडे उस तरफ हैं। जो दो अंडे वाइट जैपनीज की और हो चुके हैं, ये देखें कितना ज़्यादा अंडे। ये क्या टूटा हुआ है, इसका क्या करें? चलो रख देते हैं, वैसे भी हम डक्स के अंडे तो खाते नहीं हैं, इसलिए जमा किए जा रहे हैं कि एक ही दफ़ा इंक्यूबेटर में सारे रख देंगे। उधर पता है कितने अंडे हैं? 8 अंडे वहाँ पर हैं और 4 अंडे वहाँ पर हैं, तो टोटल 12 अंडे अभी डक्स के और भी हैं और ये भी काफ़ी हैं, 20 के करीब तो ये भी होंगे। तो खैर कोई नहीं, एक ही दफ़ा हम जमा करेंगे और फिर इंक्यूबेटर बड़ा वाला लेंगे और उसको एक ही दफ़ा भर देंगे, क्योंकि अभी सर्दी है तो ये अंडे ख़राब नहीं होंगे जब तक हम जमा करते हैं ना, तब तक इंशाल्लाह हम इंक्यूबेटर भी ले आएंगे। यार मैं कॉकटेल का बॉक्स बंद करता हूँ, इनको पता नहीं अजीब सी आदत हो गई है, ये दोबारा से खोल देते हैं। ऐसे ही ना सारा दिन हमारे साथ ये ड्रामे लगाए रखते हैं, इनका दिल करता है कि हमारे साथ मस्तियाँ करते रहे। एक मेल और फीमेल दोनों बॉक्स के साथ चिपके हुए हैं, एक अंदर है और दूसरा बाहर, ये वाला। इन्होंने शायद अंदर अंडे दिए होंगे, तो खैर मैं इनको तंग नहीं करता। हाँ जी ये क्या हुआ है? तोड़ दिया काट दिया
ओए अभी ये ऊपर ही जा, अब नहीं जा सकोगे, अब क्या करेंगे। एक स्टिक थी ना फालतू इस तरह की, वो जाके ले आओ, यहीं पर लगा देते हैं, वरना फिर तो इन्होंने बॉक्स के अंदर भी जाना होगा। कितने शराफत से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्यों तोड़ी हुए, काट दिए इन्होंने बिल्कुल ही। और ये नॉर्मल सी स्टिक होती है ना, ये तो इजीली काट सकती हैं, लेकिन इस तरह की स्टिक जो है ना ये नहीं काट सकेंगे, हम वो लगा देते हैं। यार ये तो छोटी है, ये छोटी है लेकिन लग जाएगी ना, वहाँ आगे वाली स्टिक के साथ लगा कर ना ऐसे नीचे कर देते हैं, यहाँ तक तो नहीं आएगी। ये लो इसको भी काट लो, काटो, यहाँ से आ जाएगी, चली जाएगी, ये चली गई। अली तुम अंदर जाओ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पर लगानी है। हम गुजारा कर लेते हैं इसके साथ, जब बाजार जाएंगे एक और ले आएंगे, फिर ये स्टिक बड़ी हो जाएगी। दोस्तों मैं आया हूँ अभी अपने बघीरा को देखने के लिए, रात को इसे इंजेक्शन लगा है और मेरे ख्याल में इसका जुकाम रुक चुका है या फिर थोड़ा सा कम हो चुका है, और खांसी तो इसकी बिल्कुल ही रुक चुकी है ये देखें। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ना कमज़ोर हो चुका है, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मुझे देखते ही भाग जाया करता था बहुत स्पीड में, भाग तो अभी भी जा रहा है, हाथ नहीं आता, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा ना सुस्त हो गया है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 2 से 4 दिन इसे लगेंगे, इसकी ट्रीटमेंट होगी और फिर ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। आ जाओ ना, अब तो माशाल्लाह से हमारे लव बर्ड डरते भी नहीं है। ओ ये पता नहीं मेल थी या फीमेल था, खैर यहाँ पर थे बच्चे और हमने देखने हैं कि माँ बाप उनकी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल खाली है, बच्चे कहाँ गए, बच्चे इसमें नहीं होंगे, किसी और बॉक्स में होंगे, मुझे लगा फिर इस बॉक्स में। तो मैं ये बॉक्स चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, एक दो बॉक्स थे जिनके अंदर बच्चे भी थे, बस मुझे उन बच्चों को देखना है। यार पुराने वाले जितने भी बच्चे थे वो सारे बड़े होकर ऊपर जा चुके हैं, अभी एक दो बच्चे यहाँ पर नीचे आए थे, लेकिन अब माशाल्लाह से उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक बॉक्स में नए नए बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शायद आज ही निकले हैं, दो बच्चे हैं। अब ये नहीं पता माँ बाप इनको फीड करवा रहे हैं या नहीं, ये देखें फीड भी अच्छे से करवा रहे हैं और ये आज ही निकले हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, वापस से बॉक्स को लगा देते हैं। अभी जब मैंने बॉक्स खोला, माँ बाप दोनों के साथ थे, दोनों मेल फीमेल, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जल्दी से बॉक्स को लगाते हैं क्योंकि बाहर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। आ जाओ जैक, अभी जैक मेरे साथ आएगा और हम दोनों ने मिलकर ऊपर छत पे जाना है, जिस फीमेल को कल बिल्ली ने पकड़ लिया था उसको देखना है उसकी तबीयत अब कैसी है। ये कबूतर का बच्चा आया हुआ है, ये पता नहीं किसका है। अली किधर, अली को बुलाते हैं, अली अली, वो जैक भी आ गया, जैक की मदद से कबूतर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कबूतर का बच्चा आया ऊपर, भाग के आओ, अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं बच्चा है या बड़ा है, फीमेल है, लेकिन ये हमारे नहीं है, ये किसी का आया है, तो कोशिश करते हैं कि हम इसको पकड़ लें। भाग के आओ, भाग के, ये वाला, ये किसका है, पहले देखें, एक मिनट, इसको छोड़ते हैं, ये जाओ उस तरफ से, जाओ ना, जाओ उस तरफ से जाओ, क्या पता हाथ आ ही जाए, देखना ये कहीं बड़ी फीमेल तो नहीं है हमारे मेल के साथ आ गई हो, कहीं से पैर ना बनाना चाह रही हो, अगर पैर बनाना चाह रही है फिर तो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद इनका पैर बन जाएगा, अंडे बच्चे यहीं दे देगी, या फिर अगर ये किसी और की आई है ना तो फिर हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर इसके पर भी बांध सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता ये किसकी है, तो इसलिए अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो फिर ये हमारी, इसको हमने पकड़ लिया जी, लेकिन इसके पर कटे हुए हैं, ये देखें यहाँ पर, और इसको दिखाना ये कलर भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पर कटे हुए हैं यहाँ तक पहुँच कैसे गया, कैसे आगे होगा, मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा उड़ लेता है, इसीलिए सामने वाले भाई के नाउन से पूछ लेते हैं, अगर उनका नहीं है तो फिर हम इसको ऐसे छोड़ ही देते हैं, इसने कहाँ जाना, अगर उड़ लेते हैं ना फिर इधर कैसे आया, ये बच्चा है ना, बच्चा, ये बड़ा भी नहीं है यार, इस बच्चे का हमने क्या करना, अगर ये फीमेल है फिर तो ठीक है, लेकिन छोड़ ही देते हैं, जाओ चलो, ये देखो डर भी नहीं रही, गई 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 यार, ये तो काफ़ी उड़ लेती है, अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं, इसने कहीं भी नहीं जाना, पैर जल्दी बन जाएगा या फिर यहीं ये पक्का रह लेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा दाना भी फेंक देते हैं, ये अभी खा लेंगे, हम इस फीमेल को देखने आए थे और इसके पीछे पड़ गए, और अब हमारे छत पे एक कबूतर का इजाफा आ चुका है, टोटल 6 हो गया ना, एक तो हमारा हमसफर है इसको निकाल लेते हैं, बाकी ये यहाँ पर 5 अब हो चुके हैं, ये चेक करें, कल हमने इसको धोया है और आज इब्राहिम ने सारी मट्टी फेंक के कैसा मट्टी वाला कर दिया, और अभी मज़े से खुद गाड़ी पे बैठा है, जैक छत पे आ गया है, उसको मैं पीछे जाता हूँ ना वो मुझे देख लेगा, क्या आवाज़ देता हूँ ना, जैक जैक मेरी आवाज़ कहाँ सुनेगा, जैक इतना ज़्यादा ढीठ हो गया, पता नहीं इधर आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसको नहीं, मुझे देख भी नहीं पाएगा क्योंकि वो छत की तरफ है ना, तो मुझे ठीक से देख नहीं रहा, अगर वो मुझे देख ले तो फिर वो मेरी तरफ आ जाएगा, लेकिन अभी शायद वो नीचे बैठ गए कहीं, तो खैर जाते हैं और जल्दी से जैक को लेकर आते हैं, बाकी आपने ज़रूर बताना है। आ गया जी, आ गया आ गया आ गया,
चलो वे उधर जाओ। तो खैर जी, आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा नए वाला आइडिया कैसा लगा है। वैसे तो मेरा ये दिल था कि 500,000 जब हो जाएंगे तब हम अपने फार्म हाउस का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं, एकदम से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आराम आराम से स्टार्ट कर देते हैं। तब तक 500,000 हो जाएंगे तो फिर हम प्रॉपर काम स्टार्ट कर देंगे। बाकी जब हम उसको तैयार कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने बताना है कि हमें कौन कौन से जानवर और कौन कौन से परिंदे वहाँ पर लाकर छोड़ने चाहिए। तो आज के जो व्लॉग तो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले व्लॉग तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।